यार कयत में एडो कराची होश थी वे आहे गम मा पीछे मामू से सिंधी गाले छे तो उर्दू में बोलो तुम मा पीछे मामू से सिंधी गाले छे तो उर्दू में बोलो तुम। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम बली करे आया आज मुझे मतलब मोस्ट फेवरेट वेलकम वर्ड्स बली करे आया। आई लव टू स्पीक सिंधी यार। मुझे नहीं आती ज़्यादा सिंधी बोलना, मतलब अच्छी सिंधी बोलना आती तो है लेकिन अच्छी सिंधी प्योर सिंधी बोलना नहीं आती, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है। मतलब वो एक्सेंट, वो मिठास, मतलब ऐसा लगता है मुंह में किसी ने रसगुल्ला या गुलाब जामुन रख दिया हो। इतनी मीठी मीठी जो है, जब आपको जो है सिंधी लोग जब मिलते हैं और सर पे हाथ रखते हैं, उनका वो जो मतलब ये सिंधियों का ये जो कल्चर है, और मतलब अपनी बेटियों को हमेशा दी, अमर, मिठड़ी ये कह के बुलाना, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के वर्ड्स और लैंग्वेजेस में इतनी ज़्यादा अपनी बेटियों के लिए हैं। मुझे जीजल, मुझे मिठड़ी, मुझे अम्मा, मतलब लव इट यार, लव इट। और जब आप कहीं जाते हैं ना तो आपके आस पास आपको कोई सिंधी में कोई बोलता हुआ मिले, जब कोई कह रहा हो छोड़ा ही ना अच, तो आपको ऐसे लगे अपनाइत है इसमें यार, मतलब एक बाउंडिंग फील होती है। मैं तो कहीं जाऊं और आसपास लोग किसी शॉप में, किसी बुक स्टॉल पे, किसी होटल में, तो मैं बहुत अगर मुझे कोई सिंधी नज़र आ जाए तो मुझे ज़रूरी होता है सिंधी में बात करना। मेरी सिंधी बुरी से ही लेकिन है सिंधी, ये मुझे श्योर हूँ मैं इस बात पे। वो शाह बिटाई कहते हैं ना कि माणू सब ने सोना, पखी सब ने हंज, के माणू माँ अचे बू बहार जी। तो बस सिंधी वो लोग हैं जिनमें बहार की खुशबू आती है। बहुत सारे लोगों ने सिंधियों का बदनाम भी किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सिंधियों का कचरा भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी सिंधी जो अपने अंदर क्लूज जो अपनायत रखते हैं वो कहीं नहीं मिलता। यकीन ना आए तो एक बार सिंध का चक्कर ज़रूर लगाइएगा, दिल खुश हो जाएगा। और इनके साथ ही मख दिया इजाज़त, इंशाल्लाह पर मिलते माता सब ये कड़े ब्लॉग में। तहरे तई पैं इलाही ख्याल रखो।